तुम लोग को पता है कि मैंने गाड़ी ली है, तुम लोग को ये भी पता है कि कौन सी कंपनी की गाड़ी है। हाँ, फाइनली दिस इज माय कार, सुजुकी सेलेरियो मैंने लिया है फाइनली। ये छोटी वाली गाड़ी देखो भाई, बड़ी गाड़ी लूँगा तो भाई ज़्यादा मुश्किल होगी, ठीक है, और दिक्कत भी हो सकती है ट्रैफिक में। और ये सनत भैया, जैसे कि तुम लोगों को पता है मैंने आज और एक वीडियो शूट किया, लेकिन वो संडे को आएगी। आज हम लोग देंगे तुम लोगों को मेरी गाड़ी का वर्क अराउंड और गाड़ी का थोड़ा बहुत। एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं ओवर एक्टिंग करता हूँ, लेकिन इसमें ऐसे बात करने में मज़ा आता है भाई। ये अपना फ्रैंक देखो तुम लोगों के सामने, नमस्ते, आप लोगों के सामने मैं अभी खबर रटूंगा, उसके बाद उगलूंगा, ये सब मेरे से नहीं होता है। लोगों के सामने जो है वही ऐसे ही बात करेगा अपन। तो दिस इज माय कार फाइनली, मारुति सुजुकी सेलेरियो। तो चलो इसको अनलॉक करते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। चलो तो इस गाड़ी को हम लोगों ने ओपन किया। चलो, अरे पीछे से लाइट कहाँ से आ रही है, और इतना तेज लाइट, खतरनाक वाला, इसका लाइट जलना चाहिए ब्रो। अच्छा इधर देखते हैं, ऐसे तुम लोगों ने देख लिया, नाटक का जरूरत नहीं है। चलो दिस इज एसएस कार्स, नंबर प्लेट देख लो, दिखा दो, ठीक है भाई लोग के लिए, नंबर प्लेट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज तुम्हारा भाई का कार, पर्सनल कार ब्रो, ये मैं यूज करूँगा। पर मुझे देखो, ड्राइविंग मुझे आती है पर मेरे पास अभी भी लाइसेंस नहीं है, तो आई कान ड्राइव, तो अभी मैं ड्राइव नहीं कर सकता। तुम लोगों को गाड़ी के एक एक पार्ट, एक एक फीचर्स तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। पहले सबसे पहले गाड़ी बताता हूँ, और बेसिकली मेरे पीछे कराटे क्लासेस चल रहे, तो डोंट वरी, दिस प्राउड ऑफ दिस गाइस। सो अभी मैं तुम लोगों को गाड़ी का नाम बताता हूँ, तो गाड़ी का नाम है, दिस इज स्कोडा सुपर्ब एलिगेंस टॉप मॉडल। और तुम्हारे भाई को टॉप मॉडल के बिना चलता नहीं है क्या रे, चलता है अपन का टॉप मॉडल के बिना। तो अभी तुम लोगों को गाड़ी का थोड़ा बहुत, देखो रात हो चुकी है, अभी तुम लोगों को उतना अच्छे से गाड़ी दिखेगी नहीं, और तुम लोगों को गाड़ी दिखाई उतना शो ऑफ करने का नहीं है ब्रो। बस तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे भाई कमेंट सेक्शन में, कितने लोग बोले हैं भर्ती कर दिया ना, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन तुम लोगों ने भर्ती कर दिया, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो तुम लोगों के लिए एक, नहीं तुम लोगों को क्या लगा था ये अपना गाड़ी है, ये गाड़ी भी मैं डिसलाइक नहीं करता, बट किंग को किंग ही चाहिए। दिस इज द वन योर ब्रोस कार, एंड लोगो थोड़ा दिखा दूँ, आई लव दिस लोगो, स्कोडा सिंपली क्लेवर ब्रो, लव इट। तुम लोगों को फिलहाल थोड़ा बहुत करके दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या है। ये पकड़ो आपका सामान, ये स्क्रीन रोटेट करो, और निकड़ मत दिखाइयो, आप हाफ पढ़ना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले गाड़ी का वर्कआउट देख लो, वर्क अराउंड, तो दिस इज सो लॉन्ग, ये देख सकते हो बोनेट इसका, मैंने नापा नहीं है, लेकिन इसका लॉन्ग कितना बेस होगा इसका, भाई प्रोफेशनल ड्राइवर है तुम लोगों को बता दूँ, तो भाई इसका लंबाई कितना होगा, 3 मीटर होगा, ज़्यादा होगा। तुम लोग देखो हम लोग, अगर भाई ड्राइव कर रहे हैं, अगर भाई के साथ मुझे बात करना है, तो भाई क्या करता है, पीछे वाले बंदे को कॉल करता है कि भाई मैं सामने बैठा हूँ, कमांड देता है, ठीक है, ऐसा होता है, करने पड़ता है ब्रो। तो यार तुम लोग एक एक करके दिखाते हो, दिस इज द कार, ये सनरूफ भी एक एक करके दिखाते हो, और एक वर्क अराउंड देख लो। देखो हम लोगों के इंडियन रोड है, तो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन इसको बनवा लेंगे, अपने रिमोट में कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जैसे कि देख पा रहे हो पूरा वॉक अराउंड, नाइट में उतना अच्छे से दिखेगी नहीं मुझे पता है, फिर भी जितना हो सके मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। एक बार देख लो, ये टायर्स अलॉय लगे हुए हैं, चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स है विथ ABS ABD के साथ, फुल्ली फीचर्ड कार है, ठीक है, और इसका बोनेट जैसे कि मेरा साइज के साथ, तुम इस गाड़ी का साइज नापो तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि गाड़ी का साइज कितना बड़ा है, और मैं इसके सामने पिद्दी लगता हूँ, है कि नहीं,
लेकिन ये जो भाई गाड़ी, मैं तो कभी आज तक गाड़ी को हाथ तक नहीं लगा है, बस सामने बैठ के देखा हो कैसा लग रहा है, लेकिन भाई जब गाड़ी चलाता है ना पूरा लगता है बच्चा चला रहा है कि नहीं। इसका हाइट मेरा हाइट सेम है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर मेरा बॉडी स्ट्रक्चर लगभग भी सेम है, एक हमने एक ही हाइट किया है। तो ये रहा, और इसका मेन जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट की थी इसकी कलर, मतलब जैसे कि देख सकते हो दिस इज़ नॉट ब्लैक, तुम लोगों को ब्लैक लग रही है कि ये ब्लैक नहीं है, ठीक है, ये ब्राउनिश है, ये ब्राउनिश है, ये ब्लैक नहीं है, टोटली डार्क ब्राउनिश है, लेकिन रात को ब्लैक लगती है। और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है लाइट्स, देखो ब्रो कितने जहर लगती है इसका प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स। और सबसे एक फन बात तुम लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ तक पानी आ रहा है, यहाँ तक पानी आ रहा है। तो गाइस दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस कार, ये हेडलाइट मशीन है, काफी फन चीज है। और जैसे कि देख पा रहे हो गाड़ी को BMW-ish लुक दिया जा रहा है, और जैसे कि देख पा रहे हो काफी मस्त लगता है ये गाड़ी। देखो गाड़ी चलती है तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी लगा हुआ है, और हाँ एक बात क्लियर कर दो, दिस इज नॉट न्यू कार, दिस इज अ यूज्ड कार। पर ये जो गाड़ी है भाई लोगों ने मुझे बहुत मतलब अच्छे कंडीशन में मुझे दी है, और ये गाड़ी मेरे को पड़ी है, दाम नहीं बताएगा अपन, तुम लोग गेस करो इस गाड़ी का कितना प्राइस हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसके इंटीरियर में ब्रो, इसके एक्सटीरियर जितने सुंदर है इसके इंटीरियर इससे भी ज़्यादा सुंदर है, ठीक है लोग। लेकिन इंटीरियर दिखाने से पहले कुछ अच्छे फीचर्स मैं तुम लोगों को दिखा दूँ, जैसे कि तुम गाड़ी को ये देखो, दिस इज द की ऑफ कार, और एक चीज मानुआ रिमोट से तुम पूरे सारे विंडोज खोल सकते हो, और अगेन ऑन करके रिमोट से तुम सारे मिरर ऊपर कर सकते हो। सो दिस इज द की फीचर्स ऑफ दिस कार, हाईलाइटेड फीचर्स है, और ये ऑटोमेटिक बूट ऑफर होता है, मैं सनरूफ भी दिखा रहा हूँ, एक करके दिखा रहा हूँ। तो ये बूट ऑटोमेटिक ऊपर होता है, तो भाई काफ़ी गंदा है बैग शूज रखे हुए, तो उसको हर एक बार करते हैं। ऑटोमेटिक बूट ऊपर होता है, बस स्कोडा का सबसे हाईलाइटेड फीचर है ये जो पूरा शेड है, ये पूरा उठ जाता है, मैं अभी तुम लोगों को उठा के नहीं दिखाऊंगा लेकिन उठ जाता है। तो अभी हो गया ये बाहर का वर्क अराउंड, अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि इसका सुपर्ब का असली मज़ा अंदर है। बहुत लोग ये मुझे बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट BMW, दिस इज़ नॉट Mercedes, दिस इज़ नॉट Audi, तो हाउ कैन यू तुम इसे लग्जरी कार कैसे बोल सकते हो, तो प्लीज़ टेक ए लुक देन कुछ बोलना। तुम लोगों ने आउटर लुक देख लिया, अभी इनर लुक देख, चलो सब बैठो भाई लोग, आप पीछे बैठो, आप बाहर बैठो। तो गाइस दिस इज द ओपनिंग ऑफ कार, देखो सेफ्टी फुल है, तो गाड़ी ओपन होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है, जैसे कि देख पा रहे हो इसका एक एक सीट, एक एक ऑटोमेटिक कार है, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक एक सीट, पुश बटन स्टार्ट सब कुछ है, एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो एक वर्क अराउंड देख लो ओपनिंग पोजिशन में गाड़ी का, वर्कराउंड देखिए ओपनिंग के हिसाब से, अभी एक एक करके तुम लोगों को फीचर दिखाता, आ जा भाई लोग सब बैठ जा, धीरे धीरे बंद करना दरवाजा। तो एक एक करके सब लाइट जलाते हैं, ये लाइट जलाओ, वो भी लाइट जलाओ, पीछे का भी लाइट ऑन है। सो गाइस देखो कंफर्टेबल सीट, व्हील सीधा कर लूं। सो गाइस एक एक करके आते हैं, तो सबसे पहले आएंगे अपन लोग स्टेयरिंग पे। तो जैसे कि देख पा रहे हो दिस इज स्कोडा, टिपिकल स्कोडा स्टेयरिंग, थ्री व्हील स्टेयरिंग है, इसका हॉर्न काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दिस इज थ्री व्हील स्टेयरिंग, हाथ पे काफ़ी सारे कंट्रोल है, जैसे कि देख सकते हो वॉल्यूम अप ऊपर नीचे का कंट्रोल है,
और ये सॉन्ग तुम चेंज कर सकते हो, कॉल रिसीव बैक, और तुम ये सेटिंग वाला देख सकते हो। ये पीछे आपका आ गया डिपर का इंडिकेटर, डिपर का इंडिकेटर है, और इधर उधर जाने वाला ये वो मतलब साइड इंडिकेटर है, और इधर आ गया हेडलाइट वॉशर, वो जैसे कि देख पर अभी हो रहा है हेडलाइट वॉशर। सो ये ऑटोमेटिक होता है, मतलब वाइपर ऑन होता है जब तुम हेडलाइट वॉश करोगे। तो ये आ गया हेडलाइट वॉशर। उसके बाद आते हैं हम लोग इसके नीचे, जैसे कि देखो ये एक माइनस ये प्लस, मतलब तुम इस गाड़ी को हाथ से गियर चेंज कर सकते हो। अगर तुमको गाड़ी मैनुअल में चलाना है, ऑटोमेटिक में नहीं चलाना है। हाँ, सबसे पहले एक बात क्लियर करो, दिस इज ऑटोमेटिक कार, दो ही पैडल आते हैं गाड़ी में, जैसे कि देख पा रहे हो नीचे। शायद तुम लोगों को दिक्कत हो रहा होगा गाड़ी देखने में, नीचे देखने में, जैसे कि देख पा रहे हो गाड़ी में दो ही पैडल है। तो ये ऑटोमेटिक कार का फायदा होता है, ये एक ब्रेक का पैडल है, एक एक्सीलेटर का पैडल है, दो ही पैडल रहते हैं इस ऑटोमेटिक गाड़ी में। और ये पैडल शिफ्टर नीचे दिया हुआ है, ये जैसे कि देख पा रहे हो प्लस माइनस, मतलब तुम ऐसे मैनुअली गाड़ी चला सकते हो। और ये गियर लीवर दिया गया है। अभी गाड़ी पार्किंग मोड पे है, पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइवर, स्पोर्ट्स मोड है। और बहुत अगर तुमको ज़रूरत हुआ तो तुम इस ब्रेक को दबा के, ये हो गया अपना ऊपर माइनस प्लस, ठीक है, ये हो गया अपना मैनुअल मोड में। इस गाड़ी को, इसका मतलब तुम मैनुअल में भी चला सकते हो। सबसे इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है इसका एसी। भाई कति जहर ऐसी है, एक बार चलाते हैं, एक बार एसी को ऑन करते हैं। इसका जो एसी इतना कूल है, मतलब खतरनाक वाला कूल एसी है इसका। पहले इसका ड्राइविंग सीट दिखाते हैं, उसके बाद तुम लोग को केबिन सीट दिखाएंगे। तो सबसे पहले इधर आ गया अपना ये 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट, और ये गियर लेवल जैसे कि तुम लोगों को दिखाया, ये इन्फो सिस्टम पूरा स्क्रीन के साथ। हाँ, इसमें एक रिवर्स कैमरा नहीं आती, वो मैं लगाऊंगा अलग से, सेंसर लगे हुए लेकिन रिवर्स कैमरा नहीं है। और जैसे कि देख पा रहे हो ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स है। तो भाई जैसे कि देख पा रहे हो ये मेमोरी सीट्स है, मतलब किसी का अगर ये है तो कोई अगर ऐसे चला रहा था तो ये मेमोरी सीट्स। इतना मुझे नहीं लगता इस गाड़ी को चलाने के लिए, ऐसे कौन चलाता होगा भाई, जो मतलब इससे पहले चलाता होगा तो उसको गाड़ी शायद नहीं आती होगी। मेमोरी सीट से और ऊपर नीचे वाला है, और ये आगे पीछे वाला जैसे कि देख पा रहे हो आगे पीछे, और ये मसाजर, ठीक है। ये होगी अपना सीटिंग, मतलब ये इधर भाई तो पूरा लेट गया, जैसे देख पा रहे हो भाई पूरा लेट गया, मतलब बिस्तर है भाई, पूरा बिस्तर है इधर जैसे कि देख पा रहे हो। एनीवे, और अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ इसका एक सबसे मेन फीचर, वो है पुश बटन स्टार्ट। सुपर में, हर एक सुपर में पुश बटन स्टार्ट नहीं आता है। दिस इज एलिगेंस मॉडल, टॉप मॉडल, इसीलिए इसमें पुश बटन स्टार्ट दिया हुआ है। मतलब अगर तुम ब्रेक दबा के इसको ऑफ करोगे तो गाड़ी ऑफ है, ब्रेक दबा के ऑन करोगे तो गाड़ी इग्निशन ऑन हो गया। तो इसका जो एसी वेंट्स दिए गए बहुत सारे जगह में दिए गए, सामने उधर भी एसी वेंट्स है, इधर भी एसी वेंट्स है। ये हेडलाइट ऑन ऑफ का, ये हेडलाइट में ऑफ कर दिया। तो अभी हो गया सामने का डैशबोर्ड, नहीं ये जो हमने नहीं अभी नहीं हुआ। तो ये है वैनिटी मिरर्स, मतलब कोई अगर अपना फेस देखना चाहता है तो इसके अंदर देख सकता है, ये वैनिटी मिरर्स है। और भाई मैंने तो गाड़ी चलाई नहीं अभी तक, तो आपने गाड़ी चलाई है तो आपको गाड़ी चला के कैसा लगा? फील तो बहुत अच्छा है भाई, मतलब गाड़ी रॉकेट है। हाँ, एक्सेलेटर में पाव देने से भागती है ज़्यादा। एक्सेलेटर पाव दो और गाड़ी रॉकेट, ये वाली लाइन मुझे मैकेनिक ने बोली थी। तो मैंने एक्स्ट्रा से इधर जैसे कि देख सकते हो फ़ोन होल्डर माउंट जो करते हैं मैप देखने वाला भाई के लिए लगा दिया है। ये एक परफ्यूम है जैसे कि देख करो, ये जो अपना गाड़ी को अच्छा स्मेल कराती है। और ये 12 वोल्ट का चार्जर मैंने लगाया है, ये गाड़ी का चाबी इधर रखा हुआ है, और ये ग्लव बॉक्स है। ग्लव बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक USB कॉर्ड और कुछ चिल्लर पड़े हुए हैं, और ये सीट बेल्ट वगैरह सारा कुछ हो गया। ये सामने का फीचर्स, बहुत सारे अभी फीचर्स अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, उतना करने जाऊँगा तो एक घंटा का वीडियो बनेगा। तो अभी चलते हैं, ये जैसे कि देख पा रहे ORBM अपने आप फोल्ड होते हैं, अपने आप फोल्ड होने वाले ORBM। फिलहाल गाड़ी नहीं है लॉक है इसलिए फोल्ड नहीं हो रही है। अभी अभी आते हैं बैक सीट पे, इसका असली मज़ा बैक सीट पे ही है। इधर लिटरली अपने बेड की तरह सो सकते हैं ब्रो, मतलब एक एकड़ जमीन है इधर सोने के लिए, इतना लेग स्पेस है भाई। वो भी ये सीट पूरा पीछे किया हुआ है, ये सीट पूरा लगभग पीछे किया हुआ है। ड्राइवर जब चलाता है तो, और ये आर्मरेस्ट, ये जो सीट से फुल्ली लेदर कवर्ड है,
और एसी वेंट्स इधर दिए गए हैं, ये जो देख सकते हैं ये एक एसी वेंट है, ये एक एसी वेंट है, और हर एक पिलर पे एक एक करके एयरबैग दिए गए कि 8 एयरबैग इसमें आता है, काफ़ी सेफ गाड़ी है। तो इसके बाद ये आता है आपका आर्म रेस्ट, कोई बिजनेस मीटिंग हो या फिर शूटिंग हो, शूटिंग के बाद बस चिल मारो आराम से घर आओ, या फिर ऐसे लैपटॉप खोलो इधर और काम करो। इसने रोका है भाई, इसने रोका है कि नहीं। सो गाइस दिस इज इट, और अभी तुम लोग इंटीरियर देखो थोड़ा बहुत, इसका कलर बेज इंटीरियर में है, पूरा छत भी बेज है, पूरा इसका कलर बहुत अच्छा है। इसका थोड़ा एक डाउन साइड ये है कि तुमको साफ रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जो कलर है किस तेजी से गंदा होता है। तो भाई देखो मजे ले रहा है, ठीक है सीट्स के। इधर और एक चीज दिखाता हूँ, ये बाहर का टेम्परेचर दिखाता है और टाइम दिखाता है, और ये है एक 12 वोल्ट चार्जर का पोर्ट। तो दिस इज इट ब्रो, बहुत भी अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। दिस इज ए 2015 मॉडल, नहीं सॉरी 14 लास्ट दिसंबर, 14 दिसंबर मॉडल है, बहुत अच्छी कंडीशन में थी तो आई चूज इट। और मैंने जिस प्राइस में लिया है, ये प्राइस में मुझे अच्छी अच्छी नई सेडान मिल जाती नॉर्मल गाड़ियों के अंदर, तो मैंने फिर भी ये चूज़ किया क्योंकि आई लव लग्जरी कार्स, एंड मुझे एक था कि मैं अगर गाड़ी लूँगा पहली गाड़ी वो लग्जरी होगी। तो इसको बंद करते हैं और तुम लोगों को मेन एक फीचर्स तो दिखाना भूल ही गया, और वो है दिस इज द मेन फीचर ब्रो, सनरूफ पूरा खुल गया। तो फिर से ऑफ करते हैं इसको, तो मून रूफ के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। That was my car. I think तुम लोगों को गाड़ी देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। मुझे लगा एक गाड़ी का वीडियो बनाना ज़रूरी है तो मैंने बना दिया, अलग से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और थैंक यू फॉर दिस ब्रो, अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करते, अगर तुम लोग प्यार नहीं करते तो दिस इज़ ये कभी पॉसिबल नहीं था। और वो अलग बात है कि मैं अपने साइड में बिजनेस भी चलाता हूँ, वो दोनों मिला के दिस इज़ नॉट टोटली यूट्यूब मनी, दिस इज़ काइंड ऑफ बिजनेस और यूट्यूब मनी मिला के दोनों से। तो ये गाड़ी मेरी फर्स्ट कार है, यानी कि स्कोडा सुपाव, वही 15 की गाड़ी है। लव दिस मॉडल विदाउट DRLs, DRLs होते तो और अच्छा लगता, लेकिन फिर भी इसका जो हेडलाइट है काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसके डोर्स इतने भयंकर भारी है तुम लोगों को बता नहीं सकता हूँ। सो गाइस दिस इज योर ब्रोस कार, आई थिंक तुम लोगों को पसंद आया होगा। और अगर तुम लोगों को पसंद आता है, कोई भी ड्रेसअप वैसअप कुछ नहीं किया, घर के कपड़ों में तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई लोग के सामने उतना फेक नहीं बनने का, वो मैं ऐसा ही हूँ हमेशा से। मैंने जब स्टार्ट किया था तब भी हाफ पैंट में था, अभी भी हाफ पैंट में हो, और जब तक जी जान रहेगा तब भी तुम लोगों के सामने ऐसे ही नेचुरल रहूँगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है तुम लोग आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। और अगर तुम लोग नहीं गाड़ी के अंदर ख़त्म करो आया तो गाइस आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है तुम लोग आज की वीडियो में मजा आएगा। और अगर तुम लोग आज की वीडियो में मजा आता है, तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है, लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ तुम लोगों को कैसा लगा, और ऐसे ही दो तरह तक फॉर वीडियो देखने के लिए कैन वी लाइफ स्टाइल वेस्ट बंगाल्स नंबर 1 ब्लॉगिंग चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसा कोई चैनल तुमको मिलेगा नहीं। और एक चीज़ मुझे पता है कि दुर्गा पूजा के लिए मैं कुछ वीडियो अलग दे रहा हूँ, कुछ ऑफ टॉपिक दे रहा हूँ, पर दिस इज नॉट द एंड ब्रो। बहुत जल्दी आज भी हम लोगों ने जो वीडियो शूट किया, कतई चेहरे आज तक किसी ने किया नहीं होगा, वो तो नॉर्मली कैनविला स्टाइल में होता ही है, जो कोई नहीं सोचता है वो तुम्हारा भाई नेक्स्ट दिन अपलोड कर देता है। ज़्यादा बकूंगा नहीं, वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, बहुत थक गया हूँ मैं। और वैसे मुझे ड्राइविंग आती है पर आई डोंट हैव लाइसेंस, लर्नर एक दो दिन में आ जाएगी, उसके बाद लाइसेंस भी आ जाएगी, तो उसके बाद मैं ड्राइव करने लगूंगा, और भाई तो है ही है मुझे सिखाने के लिए, और अच्छे से बेसिकली मुझे आती है फिर भी। Bye.